चलिए आ गए हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम आ गए अभी कोलकाता के अलीपुर जू में, जूलॉजिकल पार्क। तो यहाँ पे क्राउड ज्यादा है और ज्यादा अभी बढ़ेगा क्योंकि विंटर का सीजन आ रहा है और यहाँ पे क्राउड थोड़ा बढ़ता है विंटर में, क्योंकि बच्चे तो है जू का मजा लेने आते हैं, एनिमल्स देखने आते हैं। तो हमको भी बहुत सारा नॉलेज है एनिमल्स के बारे में और हम आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। तो देखिए ये वाला है एंट्री गेट, तो हम आ गए और आपको इधर पड़ेगा शेर का केज। अभी मैप यहाँ पे नहीं है तो मुझको जितना पता है पीछे के साइड में है एलिफेंट का केज, उधर आपको जिराफ जेब्रा और उधर बर्ड्स का केज है, मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह पे इधर उधर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको आज का वीडियो, बहुत अच्छा होगा। तो चलिए आगे क्रोकोडाइल के केस में देखते हैं। अब क्रोकोडाइल देखिए ये हिल रहा है, बैठ गया। तो चलिए फिर भी देखने को मिला एक वॉकिंग जो भी है, हमको तो बचपन से देख रहा हूँ पढ़ाई हुआ था, एक तो वॉकिंग शॉट मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्रोकोडाइल का अब केज में आ गया। तो देखिए ये पूरा मैसिव वाला साइज है, एक केज का साइज है तो मुझसे भी बड़े। अरे बाप रे बाप, साइज देख रहे हैं, मतलब दो तीन चार आदमी मिला के मेरे देते तो अभी एक क्रोकोडाइल बनेगा। तो लंबाई तो छोड़ ही दीजिए, लंबाई का तो हम नाप कर ही नहीं रहे। तो उसके बाद हम जाएंगे स्नेक केज में, और स्नेक केज में आपको दिखाएंगे बहुत सारे स्नेक जो कि आपका बहुत रेयर है। अगली बार तो हम देख के गए थे, पता नहीं इस बार क्या होगा, चले देख। तो स्नेक्स पे हम आ गए, तो स्नेक्स पे चलिए देखते हैं जो पाइथन देखेंगे आप। पाइथन का यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी है और अभी ब्रीडिंग प्रोग्रेस शुरू हो गया, तो यहाँ पे आपका कुछ गद्दा वद्दा यहाँ पे बिछा हुआ, चलिए देखते हैं आपको। जैसे कि मैंने वीडियो में बोला ही था एक्सप्लेनेशन की अभी ब्रीडिंग चल रहा है, तो ब्रीडिंग के लिए यहाँ पे उसके बाद रॉक फाइटर, रॉक फाइटर का
So these are monitor lizard. Monitor lizard. ये भी इसको बंगाली में दो सांप शायद बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है. तो ये बेसिकली ये खाने में छोटे छोटे मीट इंसेक्ट्स, और इसका 90% फूड जो है वो एग्स से आता है. लेकिन लाइक स्नेक एग्स या फिर टर्टल एग्स, ये सब बहुत कंज्यूम करता है. और इसका धूप में रहना थोड़ा पसंद करते हैं ये लोग, पानी में भी रहते हैं. तो स्नेक के बाद हम आ गए घड़ियाल पे. तो घड़ियाल ही बेसिकली एक क्रोकोडाइल है, प्रेडेटर भी है, लेकिन इसका चोंच थोड़ा अलग है, डिफरेंट है. इसका चोंच आप देखिए मगरमच्छ से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा कम पतला सा होता है, पतली सी चोंच है. इन लोग बेसिकली फूड लाइक फिशेस कंज्यूम करते हैं फूड में. So now we are in front of Tiger Den. तो चलिए देखते हैं. सेठ का आवास तो तहार तो बहुत दूर से आ रहा है, तो चलिए देखते हैं. आपको सुनाई दे रहा होगा तहार से बहुत जोर से आ रहा है. तो ये देख सकते हैं द बंगाल टाइगर, द रॉयल बंगाल टाइगर आपको दिखेगा यहाँ पे, और एकदम सामने ही आपको घूमता हुआ दिखेगा. इसका वीडियो बनाए तो बनते हैं. उसके बाद हम आ गए डियर पार्क में. तो यहाँ पे एक स्टैग, जो बहुत सारे स्टैग यहाँ पे है, मेल फीमेल. मेल आपको दिखेगा जो जिसका हॉर्न है, तो मेल है. और फीमेल्स का देखिए हॉर्न थोड़ा छोटा होगा, एकदम छोटा छोटा होता है. तो ये स्टैग का डिफरेंस है मेल और फीमेल में. और बाकी ये बहुत खूबसूरत जानवर है, हाइट में बाकी उसे बहुत लंबा होता है.
जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे है जिराफ वर्ल्ड, और यहाँ पे मैं जो देख रहा था देखिए बहुत सारा मछली है मतलब थोड़ा यहाँ पे देखिए मछली का साइज इतना बड़ा बड़ा है मतलब सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा मछली। तो चलिए चलते जिराफ की तरफ देखते हैं। तो आ गए जिराफ में, चलिए देखिए छोटे छोटे बहुत चार पांच जिराफ यहाँ पे है और बहुत सारे फैमिली भी देख रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। देखिए बस जिराफ देखिए वो वाला कितना छोटा सा एकदम छोटा सा है। जिराफ तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि जो पैटर्न है जो डिजाइन है और जो टॉलेस्ट एनिमल है वाइल्ड का सबको ही पता है और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं बहुत। Unbelievable. तो लग तो रहा है आज का दिन बहुत हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा गया है, तो आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जो पुराना जो अगला वीडियो पिछला वीडियो था उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था, तो उसके लिए थैंक यू सबको। और ये वाला वीडियो भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग। बाय बाय। Hello. 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 Hello.